आज सीखेंगे हम दोस्तों डर मूवी से जादू तेरी नजर का गिटार का इंट्रो पीस। चौथी फ्रेट, चौथा स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग पे लेना है इंडेक्स, फिर सिक्स फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग पे लेना है रिंग, यहाँ पे बजाने हैं हमको पांच स्ट्रोक। अब लेना है इंडेक्स फोर्थ फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग पे, फिर इंडेक्स रिंग। अब यहाँ पे हैमर करना है, फिर से बता रहा हूं, ये देखिए हैमर का आवाज आ रहा है। ये आवाज आना चाहिए, अब लिटिल सेवन फ्रेट फोर स्ट्रिंग और रिंग फोर स्ट्रिंग पे ही सिक्स फ्रेट में, अब पूरा कंबाइन करते हैं। अब लिटिल सातवीं फ्रेट में पांचवें स्ट्रिंग पे, यहां पे लेने हैं तीन स्ट्रोक और डायरेक्ट इंडेक्स लेना है चौथी फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग पे, फिर से यहां पे लेने हैं चार स्ट्रोक इंडेक्स पे, फिर सातवीं फ्रेट में लिटिल फोर स्ट्रिंग पे लिटिल इंडेक्स लिटिल चौथा स्ट्रिंग तीसरा स्ट्रिंग चौथा स्ट्रिंग, फिर रिंग और इंडेक्स। ये हो गया पहला लूप कंप्लीट। सेकंड लूप में अब क्या किया हमने, छठवीं फ्रेट से नौवीं फ्रेट तक स्लाइड किया, फिर से बता रहा हूं, ये स्लाइड करने के बाद यहां पे एक स्ट्रोक, अब लेना है इंडेक्स छठवीं फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पे, यहां लेने हैं दो स्ट्रोक, अब लेना है मिडल सेवन फ्रेट फोर स्ट्रिंग। अब इंडेक्स पे यहां हमको करना है कंटिन्यूअस हैमर फोर टाइम्स और इंडेक्स पे आके रुकना है, मैं वापस हैमर की आवाज सुना रहा हूं आपको, ऐसा हैमर का टोन तैयार होना चाहिए। वापस वही लूप है, इसी का हम लेंगे M1 यानी म्यूजिक वन, अब हमको लेना है थर्ड स्ट्रिंग पे सिक्स फ्रेट में रिंग रिंग इंडेक्स लिटिल सेवन फ्रेट फोर स्ट्रिंग, फिर रिंग फोर स्ट्रिंग पे ही और इंडेक्स फोर्थ फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग पे। अब इसको कंबाइन करते हैं, अब यहां लेना है एक दो तीन चार चौथी स्ट्रिंग चौथा फ्रेट चार स्ट्रोक एक दो तीन चार, फिर लेना है रिंग लिटिल चौथी स्ट्रिंग पे और इंडेक्स गया थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे। अब यहां से डायरेक्ट जंप है नाइन्थ फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग पे,
रिंग इंडेक्स रिंग इंडेक्स इंडेक्स, तो इंडेक्स पे है दो स्ट्रोक। अब यही इंडेक्स सिक्स फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग पे ही, फिर यही फिंगर चौथी फ्रेट में, सो कंबाइन करेंगे और लिटिल लेना है सेवंथ फ्रेट में, कंबाइन कर रहा हूँ। अब रिंग इंडेक्स तीसरे स्ट्रिंग में छठवां फ्रेट चौथा फ्रेट, अब सातवीं फ्रेट में लिटिल चौथे स्ट्रिंग पे, यहाँ लेने हैं दो स्ट्रोक, इंडेक्स पे भी दो स्ट्रोक थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट में और रिंग। ये हो गया एक लूप कंप्लीट। बेसिकली ये है वायोलिन का पीस या स्ट्रिंग का सेक्शन है ये M1 का। इसके बाद एक्चुअल गिटार का सेक्शन शुरू होता है, दैट इज़ नथिंग बट स्ट्रिंग सेक्शन, वही एज इट इज़ गिटार के सुर है। तो कंबाइन करते हैं, स्ट्रिंग का सेक्शन कंप्लीट, गिटार का सेक्शन अब शुरू हुआ। अब चौथा स्ट्रिंग चौथा फ्रेट, पांचवा स्ट्रिंग सातवां फ्रेट, फिर चौथा स्ट्रिंग इंडेक्स रिंग लिटिल और इंडेक्स थर्ड स्ट्रिंग पे, कंबाइन कर रहा हूं, सब जगह सिंगल स्ट्रोक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये सब फ्रेट्स है, चौथा सातवां चौथा छठवा सातवा चौथा, इंडेक्स लिटिल इंडेक्स रिंग लिटिल इंडेक्स, यहाँ से हो रहा गिटार का सेक्शन शुरू। और जो हमने पहले सीखा था वही एज इट इज रिपीट है। इसमें और भी कुछ गिटार के पीसेस है, वो भी आप देख लीजिए या उसको भी आप प्ले कीजिए, एकदम इजी है। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू हाँ कर। ये देखिए सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग मिडल, फर्स्ट फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग पे इंडेक्स, इंडेक्स को करना यहाँ स्लाइड और वापस पहली फ्रेट में गए। सेकंड लूप में सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग इंडेक्स, सॉरी, अब रिंग को स्लाइड किया चौथे फ्रेट से छठवीं फ्रेट तक और वापस चौथे फ्रेट में रिंग लिया। अब सेम जगह आखिरी में मुखड़ा जब चलता है तू हाँ कर, तो ये कहाँ आया, ये आया नौवीं फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग पे, नौवा फ्रेट छठवा फ्रेट सातवा फ्रेट और छठवा फ्रेट, तीसरा तीसरा चौथा चौथा, योग स्ट्रिंग टंग टंग टंग, फिर या ना कर। अब आया थर्ड स्ट्रिंग पे इंडेक्स छठवें फ्रेट में, फिर सातवीं फ्रेट में मिडल चौथे स्ट्रिंग पे, फिर छठवीं फ्रेट में और लिटिल लेना है पांचवें स्ट्रिंग पे नाइन्थ फ्रेट में, तू हाँ कर या ना कर। होप सो दोस्तों आप ज़रूर ये गाने को सीखेंगे, बजा के देखेंगे और बार बार लगातार बजाइए, आपको ज़रूर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। यू नीड प्रैक्टिस। थैंक यू।